हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन बाय एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगा सीआरपीसी 1973 की धारा 42 में क्या प्रावधान है। तो धारा 42 में नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। जब कोई पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है, यानी नॉन कॉग्निजेबल। संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तथा पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर वह अपना नाम और निवास सही नहीं बताता है या गलत बताता है, तो पुलिस अधिकारी उसका नाम पता निश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है। और नाम पता सुरक्षित करने पर उसे बंद पत्र निष्पादन पर छोड़ दिया जाएगा या आवश्यक पड़ने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति का नाम व पता सुनिश्चित करने में असमर्थ रहता है या मांग पर प्रतिभूति देने में असमर्थ रहता है, तो उस दशा में तत्काल उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। साहू बनाम इम्परर AIR 1921 इलाहाबाद में ये निर्धारित किया गया है। वातिम ससु बनाम स्टेट AIR 1954 हैदराबाद 906 में निर्धारित किया गया है। जब पुलिस थाने से उप निरीक्षक अनुपस्थित रहे तो थाने का मुहर्रिर भी पुलिस थाने का पुलिस अधिकारी पद की परिधि में माना जाएगा। सम्राट बनाम महादेव धोबी ILR 31 कलकत्ता कोर्ट 557 के वाद में निर्धारित किया गया है। यदि इस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त को दोषपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो वह व्यक्ति ऐसी दोषपूर्ण कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किए गए आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अगर दोषपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो वह पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। सम्राट बनाम अमीर खान 1883 AWN 223 के वाद में निर्धारित किया गया है। इस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की गई गिरफ्तारी तभी मान होगी जब पुलिस अधिकारी के समक्ष उसकी उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया हो या ऐसा अपराध करने के पश्चात स्वेच्छा से पुलिस थाने में स्वयं को पुलिस के हवाले कर देता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।